हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, आपको भी यही प्रोडक्ट यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं, आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपको जो सूट करे वो आप यूज़ कर सकते हो। और हाँ डियर, मैंने जितने भी वीडियो में प्रोडक्ट यूज़ किए वो मैं पिछले 15 दिन से यूज़ कर रही हूँ। कुछ समय के बाद मैं अपने प्रोडक्ट चेंज करती रहती हूँ, लेकिन मेरे स्टेप यही रहते हैं। बस कुछ नहीं, इतना ही कहना था। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पानी से शुरुआत करेंगे। हाँ डियर, स्किन केयर रूटीन में पानी भी इतना ही ज़रूरी है। मॉर्निंग में उठते ही हमें 2 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो वार्म वाटर पीजिए सुबह उठकर ही, नहीं तो फिर आप मटके का पानी भी पी सकते हो। और हाँ गाइस, कभी भी सुबह उठकर फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी। मैं अभी गुड वाइब्स का कॉफ़ी फेस वॉश ले रही हूँ। डियर, ये कॉफ़ी फेस वॉश काफ़ी अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए। ये आपके फेस पर काफ़ी समय तक ऑयल नहीं आने देगा। आप देख सकते हो ये एकदम जेल बेस में है और इनकी फ्रेग्रेंस एकदम कॉफ़ी की तरह ही है। गाइस, आप चेहरे पर लगाओगे तो लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ लगाया है, लेकिन ये अपना वर्क काफ़ी अच्छे से करता है। मैं इसे अच्छे से 30 सेकंड के लिए मसाज करूँगी। तो डियर, मैंने अपना फेस पानी से धो लिया है। अब सेकंड स्टेप है फेस पैक। फेस पैक आप हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार यूज़ कर सकते हो। मैं आज लगा नहीं वाली थी तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। गाइज, ये गुड वाइब्स का चारकोल फेस पैक है। अगेन, ये काफ़ी अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए। मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाया है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक दे दूंगी। ये काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी कम अमाउंट में आपको पूरे फेस पर लग जाएगा। इस तरह मैंने पूरे फेस पर लगा लिया है। तो गाइस, ये ऑलमोस्ट सूख गया है, मैं इसे पानी से धो के आती हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो इसने मेरे फेस को कितना क्लीन कर दिया है। जितना भी धूल मिट्टी डर्ट्स था वो सारा इसने अच्छे से निकाल लिया है। अब मैं गुड वाइब्स का कुकम्बर टोनर ले रही हूँ अपने फेस पर। इसको अच्छे से 30 सेकेंड के लिए अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने दूंगी। 30 सेकेंड के बाद ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए अपनी स्किन में, तब मैं अपने फेस पर ये वाला जेल अप्लाई करूँगी। ये एप्पल जेल है गुड वाइब्स का, ये भी काफ़ी अच्छा है। आप इसे स्किप कर डायरेक्ट मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो, लेकिन ये जेल काफ़ी अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए और ख़ास करके पिंपल और एक्ने प्रोन स्किन के लिए। मैं इसे 15 डेज से अपने फेस पर यूज़ कर रही हूँ और मेरे काफ़ी हद तक पिंपल कम हो गए हैं। बस कुछ नहीं, इसको अच्छे से मसाज करते हुए अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने देंगे। और हाँ गाइस, ये काफ़ी अच्छे से अपनी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब मैं इसके बाद अपनी फेस क्रीम लगा रही हूँ। मैं आजकल गुड वाइब्स की ग्रीन टी वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं रूप मंत्रा की जो क्रीम आती है आयुर्वेदिक, वो यूज़ कर रही थी। अभी समर है तो मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, बहुत ही कम अमाउंट में मैं अपने फेस पर लगाऊँगी। और लास्ट में मैं ये लिप बाम अप्लाई कर लूँगी अपने लिप्स पे। ये काफ़ी अच्छा लिप बाम है गाइस, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चॉकलेट लिप बाम है, इनकी फ्रेग्रेंस एकदम चॉकलेट की तरह ही है। तो गाइस, यही है मेरा मॉर्निंग सिंपल स्किन केयर रूटीन। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।